आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके पीठ में छुरा घोप करके जिसने 5 साल हमें गालियां दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आई बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद प्रदेश में कई जगहों पर नेताओं के बगावती सुर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रादौर विधानसभा से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को टिकट दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर जमकर हमला भी बोला। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 में राणा की टिकट काटने वाले मनोहर लाल ने आज उसे टिकट क्यों दिलाई, जबकि 2019 के चुनाव में राणा ने उनके चुनाव में बगावत की थी जिसके चलते पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा था। उसके बाद भी पार्टी की 5 साल खिलाफत करने वाले श्याम सिंह राणा को इस बार टिकट दे दी गई। ये कार्यकर्ताओं के साथ सरासर धोखा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए इस फैसले का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब हमारे कार्यकर्ता रादौर विधानसभा से राणा की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे, जिसके चलते ही आज पार्टी के सभी पदों से मैंने त्याग पत्र दे दिया है और जल्दी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाकर फैसला लिया जाएगा। खैर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को टिकट देने पर भड़के पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम है। उसमें मैं रादौर और इंद्री दोनों से प्रयासरत था और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। मैं भी इसी दौड़ में था। पिछली बार इंद्री से मैंने चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद फिर रादौर से मैंने चुनाव लड़ा। और रादौर में जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके मेरे को दी थी। मैं मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काटी थी और क्यों आज उसको जो है ना टिकट दी गई। जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके पीठ में छुरा घोप करके जिसने 5 साल हमें गालियां दी और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा, उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे और आज वही श्याम सिंह राणा इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब उसने देख लिया कि रादौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रादौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकर्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियान बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते, गद्दारों को जो है ना उचित दंड दिया जाता है, तो उसको उचित दंड जो है ना यही होगा कि उसको यहाँ से उसकी जमानत जब्त करा करके हम भेजेंगे। तो मैं आज इस बात से जो है ना स्तब्ध हूँ और इस बात को लेकर के आज मैं अपने पार्टी के जितने भी मेरे पास पद हैं, मैं सबसे अपना रिजाइन मैंने अपना भेज दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दिया, सारे अपने जो पार्टी हाईकमान उसको सबको भेज दिया। आज के बाद मैं जाना कोई भी इस प्रकार का पद पार्टी का नहीं रखूंगा। तो क्या पद से इस्तीफा दिया या जी? मैंने पद से इस्तीफा दिया। पार्टी की सदस्यता थी? पार्टी की सदस्यता मैंने कल परसों ही ली थी। अभी सदस्यता हमारी मेंबर पार्टी की सदस्यता शुरू हुई थी, परसों ही मैंने ली थी। जरूरत पड़ेगी तो उसको भी छोड़ दो, क्योंकि अब पार्टी में मुझे नहीं लगता कुछ उसमें बचा है। आगामी निर्णय अभी अभी कमेटी बनाने लग रहे। आपने देखा बाहर इतना हजूम लगा हुआ लोगों का, सारे लोग जो इस काम पर लगे हुए, सारे स्तब्ध हैं और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव जितवाने वाले कार्यकर्ता हैं वो सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। वो सारे जो भी फैसला लेंगे तो उनके फैसले पर जाना, अंतिम मोहर जाना उन्हीं की होगी, जो वो कहेंगे मैं उनके साथ रहकर जैसा भी होगा वैसा करेंगे। एक दो दिन में ये फैसला हो जाएगा और एक दो दिन में फैसला लेकर के हम निर्णय लेंगे कि हमने आगे आगामी कार्यवाही क्या करनी है।